हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी डिलाइट बाय निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना से बचकर रह रहे होंगे। तो अपने पूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, लॉकडाउन जो चल रहा है और अभी सब लोग घर पर ही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इनोवेटिव भी कर सकें, इन्जॉय भी कर सकें, बाहर जाने का मन भी ना करें और हम सेफ भी रहें। तो मैंने ये गाइस प्लान किया है कि क्यों ना हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करें अपने आप के ऊपर। तो कुछ ट्रांसफॉर्म अभी कर नहीं सकते, हाँ घर बैठे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैंने क्या सोचा है कि एक अपनी पर्सनल स्पेस बनाऊं जो कि मेरे पास घर पर ही अवेलेबल है, बस उसको रीडेकोरेट करके, उसका एक मेकओवर करके एक पर्सनल कोजी कैनोपी टाइप स्पेस बनाऊं, सब कुछ DIY। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसी स्पेस है और मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगी। आई होप अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मैं करने वाली हूँ इस कॉर्नर को रीडेकोरेट, ताकि मैं इस कॉर्नर पे आराम से बैठकर कुछ अपना पर्सनल काम कर सकूँ या एटलीस्ट मेकओवर तो कर दूँ। यार खाली खाली सा पड़ा हुआ है और यूज़ ही नहीं करता कोई स्पेस को। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मेरे लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है अपने हथियारों को तैयार करना। पहले इस कमरे की सफाई होगी और वो भी मेरे हथियारों से, झाड़ू और पोछा। यस, हथियार तैयार हैं, लग जाओ काम पर। एरिया हो गया है हमारा क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। कॉर्नर को करेंगे रीडेकोरेट और मेरा आइडिया है कि आई एम गोइंग टू मेक अ कैनोपी Tile corner with a sari. Let's start. तो guys, सबसे पहले मैं एक ये कपड़ा ले रही हूँ जिसको मैं बिछाने वाली हूँ नीचे, जिसके ऊपर हम रखेंगे अपना गद्दा। तो let's start. कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और उसको अच्छे से बिछाएं ताकि गद्दा नीचे से गंदा ना हो। मैंने फोल्ड कर गद्दा बिछा दिया है, ये देखिए, और इसको अब चादर को हम अच्छे से टक इन कर देंगे ताकि गद्दा बिल्कुल स्मूथ लगे। तो ये मैं तकिया को, गद्दे को कर रही हूँ चादर के साथ टक इन। ये अच्छे से हो गया है हमारा गद्दा तैयार, बिल्कुल सही। अब हमने ये साड़ी ली है और हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये बैंगल। ये बैंगल को हाफ में लेके जाना है और इसको देखना है कि दोनों तरफ से इक्वली हो गया हो। और अब हम इसको करने वाले हैं एक होल्डर पर टाई, और दोनों साइड की साड़ी इसको गद्दे के नीचे टक इन कर देना है अच्छे से, ताकि ये कैनपी स्टाइल का बन जाए। तो हम इसको अच्छे से दोनों साइड से कर देंगे और इसको ध्यान रखें कि बिल्कुल सेंटर से बांधे। ये कैनोपी हमारी तैयार हो गई है, हमारी कैनोपी साड़ी से हमने तैयार कर ली है। टैलेंट है ना, देखा? और नीचे हमारा गद्दा भी लग चुका है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सब हटाने वाली हूँ और आसपास मैं और डेकोरेट करने वाली हूँ इसको। इतना ही नहीं है, ऐसे मत चले जाना, अभी और आगे है व्लॉग में। तो लेट्स गो अहेड। और इससे पहले, आगे जाने से पहले, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो अब मैंने ये यूज़ करे हैं नेट वाले हार्ट वाले पर्दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। अभी मैं इसके पीछे एक वाइट कलर का दुपट्टा भी लगाऊंगी ताकि और अच्छा लगे। ये एक्चुअली मेरा स्विच बोर्ड है ना, पुराने टाइप का है और इसको हम हटा तो सकते नहीं, इसलिए इसको कवर करेंगे और कैमोफ्लैज करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा लगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अमेज़ॉन का, कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं, बिल्कुल सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, तो इससे डेकोरेशन अच्छी। तो अब हम करते हैं अपने फ्लोर को भी थोड़ा सा रीडेकोरेट, और ये मैंने लगाए हैं थोड़े से, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे बिछाने के कपड़े थे, मैंने इसको यूज़ कर लिया है। ये भी आप कोई भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने प्लांट भी रख दिया है यहाँ पर, ये एक और प्लांट ले आई हूँ मैं जिससे हम करेंगे। और ये मेरा टेबल आ गया है ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ। तो ये वाले कर्टन्स मैंने आपको दिखाई दिए, अमेज़ॉन से लिए हैं। ये मैंने कैनोपी बनाई है साड़ी से, पुरानी साड़ी घर में पड़ी हो ना बेस्ट रहती है, काम आ जाती है। यहाँ मैंने लगाया है प्लांट, यहाँ गद्दी वद्दी रख के अपना एकदम सेट अपना कर लिया है टेबल। यहाँ भी एक छोटा सा प्लांट, ग्रीनरी के साथ ना जो आनंद आता है ना वो अलग ही होता है। अभी मैं आपको फुल टचेस करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने फाइनल टचेस दे दिए हैं और ये देखिए, ये मेरा नीचे का सारा एरिया, दिस इज़ द कैनोपी विद लाइटनिंग। और मैंने ना इसको अच्छे से कलर देने के लिए, रेड वाले उभर कर आए इसलिए मैंने इनके पीछे लगा दिया है ये वाइट कलर का दुपट्टा। तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस।
तो गाइज आप भी ऐसी सुंदर सी कैनपी तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कोजी सा स्वीट कॉर्नर। कभी आपके पढ़ाई कीजिए, बुक्स पढ़िए, कॉफ़ी पीजिए, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करिए या किसी के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन दबाइए, इंस्पिरेशन मिलती है, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था DIY का, और आगे आगे इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। अपना घर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी बना सकते हैं, और इन पर्दों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय, सस्ता टिकाऊ ले लो यार। बाय।